एक जमाना था, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले अगर हम पीछे के दौर पे जाएंगे तो हमें देखने को मिलता था कि ग्रामीण परिवेश में केवल लड़कों को, और लड़कों में भी अब अगर चार बेटे होते थे किसी के तो एक बेटे को पढ़ने का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में मिलता था। शहरों में जरूर थोड़ी बहुत शिक्षा का प्रादुर्भाव हो चुका था, बेटियों का पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत बड़े घरानों में बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्थाएं होती थी। ग्रामीण क्षेत्र में 40 साल 50 साल पहले बेटी को पढ़ाना एक तरीके से नहीं किया जाता था। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे जो समाज के अग्रणी लोग थे, उन्होंने इस महत्व को समझा और धीरे धीरे बच्चों के साथ साथ हमारी बेटियों को भी पढ़ाना चालू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि बेटे और बेटी में जो फर्क महसूस किया जाता था 50 साल पहले, वो फर्क आज समाप्त हो चुका है। हमें खुशी है कि अगर हमारा बेटा जिस स्कूल में, अच्छी स्कूल में पढ़ता है, आज अगर उसकी बेटी है तो वो बेटी भी उसी स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण करती है। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण से आज हमारे समाज में जो वैचारिक संपन्नता आई है, जो हमारा रहन सहन का जो वातावरण सुधरा है, आने वाली पीढ़ी को जो पढ़ने की व्यवस्था जो मिल रही है उसमें सुधार हुआ है, काफी हम लोग आगे निकले हैं। क्योंकि अगर किसी परिवार में बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा चिंता और बात अगर आज कोई करता है तो हमारे घर की महिलाएं करती हैं। एक जमाना आपने देखा होगा कि जब बहन हो चाहे बुआ हो, उसकी शादी की फिक्र रहती थी कि शादी करके उसको अपने ससुराल के घर में भेजना है, पढ़ाना जरूरी नहीं है। लेकिन आज हमें खुशी है कि हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। यहां पर अगर किसी व्यक्ति की एक लड़की है, एक बेटी है, बेटा नहीं है, बेटी है, तो वो गरीब परिवार होके भी वो ये चाहता है कि मेरी बेटी पढ़े, और बेटी अगर वो विदेश में पढ़ने के लिए भी जाती है तो वो खुशी खुशी उसके खुशी के आंसू के साथ में विदा करता है। ये जमाने ने जो करवट ली है उसका परिणाम है। लेकिन फिर भी राज्य सरकारों का धर्म होता है कि वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें, क्योंकि एक लड़का अगर पढ़ लिख के अच्छा संस्कारित होता है तो वो एक घर को ठीक कर सकता है, लेकिन एक बेटी अगर पढ़ लिख के संस्कारित होकर के आगे चलती है तो वो दो घरों में रोशनी पैदा करती है, और अपने ससुराल में भी। और हम आज देख रहे हैं कि अगर कोई मां बाप की कोई विपदा आ गई, वो बीमार हो गया, कोई संकट आ गया, तो बेटे से ज्यादा बेटी चिंता करती है। और ये भी हमने देखा है कि आज पढ़ाई के मामले में जब मेरिट आती है, जब डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बोर्ड की मेरिट आती है, तो हम देखते हैं कि बेटों से ज्यादा हमारी बेटियां आगे नंबर लेकर के अपना स्थान बनाती हैं। ये जो परिवर्तन आया है ये हमारे बुजुर्गों की सोच के कारण से कि नहीं, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। जब जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमेशा बालिका शिक्षा के ऊपर, महिला के उत्थान के ऊपर जोर दिया है। और आपने देखा होगा कि जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था करके तमाम पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको आरक्षण देने का काम किया। बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर 18 साल के हो गए तो उसको वोट का अधिकार दिया। और ये जो चीजें शुरुआत की गई, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हो, गार्गी पुरस्कार हो,
बधिर नेत्र बालिकाओं के आर्थिक सफलता के लिए पुरस्कार की योजना हो, चाहे शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के आर्थिक सफलता की बात हो, आपकी बेटी योजना हो, चाहे विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा के लिए योजना चालू कर रखी हो, मैं समझता हूं कि ये तमाम जो भी स्कीम्स हैं वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना हो जो बालिका फाउंडेशन के द्वारा संचालित हो रही है, गार्गी पुरस्कार का हमने कहा, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इस तरीके से 8 योजनाएं इस बालिका फाउंडेशन के द्वारा बालिकाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, साइकिल का वितरण किया जा रहा है, मिड डे मील कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए सबको दे रहे थे, लेकिन हमने जब नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी तो हमसे सुझाव मांगे गए थे, हमने सुझाव दिया कि एक बच्ची अगर वो 8वीं क्लास में पढ़ रही है तो उसको मिड डे मील का लाभ मिलता है, लेकिन अगर वो 9वीं क्लास में आ गई उसकी बड़ी बहन तो उसको वो लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो भारत सरकार ने हमारी बात को माना, हमारे सुझाव को माना, और मुझे खुशी है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो 14 वर्ष तक की बच्चियों की थी उसकी उम्र 18 वर्ष तक की बच्चियों की है, तो इससे आने वाले समय में कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं को मिड डे मील मिलेगा। ये सब प्रयास बराबर होते रहते हैं। ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार था, पिछली दफा इसकी राशि कम थी, हमारी सरकार आते ही जैसा मुख्यमंत्री जी का सपना है, वो चाहते हैं कि बालिकाओं के शिक्षा के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए और कड़े अच्छे कदम उठाए जाएं। हमने इसमें और पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करने का काम किया। ये 8 वर्ग ऐसे हैं जिनमें कक्षा 8, 10 और 12 तीनों कि जिले में जो नंबर 1 आता है उस बच्ची को यह पुरस्कार मिलता है, लेकिन फिर भी राशि बढ़ा रहे हैं। विदेशों के लिए भी स्कीम है, बच्चियों के पढ़ने के लिए भी है, बुक बधिर के लिए भी है। फिर भी मेरा यह मानना है, जैसा मुख्यमंत्री जी का सपना है, कि हमको इसको और आगे बढ़ाना चाहिए और ज्यादा सुविधाएं इन बालिकाओं को देनी चाहिए। लैपटॉप, साइकिलें, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें। अभी हमने जब कोरोना काल आया तो लड़ाई लड़के केंद्र से और जय रेडियो और जो हमारा दूरदर्शन है उसके माध्यम से भी बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए हमने केंद्र सरकार को कहा कि ये भारत सरकार के उपक्रम है, जब आज इस वैश्विक महामारी में भी काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। उन्होंने स्वीकार किया। बोले साहब, आपके मंत्री का फोटो नहीं होगा, मुख्यमंत्री का फोटो नहीं होगा। मैंने कहा, हमें फोटो की आवश्यकता नहीं है, आप तो इन बेटे और बेटियों को घर पे पढ़ाने के लिए जो भारत सरकार के उपक्रम है उसकी उपयोग करने दीजिए, और इसके लिए अगर हमें पैसे की जरूरत है तो आप बता दीजिए, हम दिला देंगे। और हमने पैसे जो उन्होंने बताए दूरदर्शन के लिए वो भी हमने जमा कराए और आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दी। जब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अटक गई थी तो आप सब लोग गवाह हैं, सबके मन में एक बेचैनी थी कि अगर 12वीं की एग्जाम नहीं हुई साइंस की तो हम इंजीनियर और डॉक्टर बनने में 1 साल पिछड़ जाएंगे, और 1 साल में लाखों बच्चे इस देश में आगे हो जाते हैं, उनसे 1 साल पिछड़ने का मतलब लाखों बच्चों से पीछे हम लोग हो जाते हैं। तो हमने प्रयास किए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का प्रयोग कराते हुए हमने हमारे 17 लाख के करीब बेटे और बेटियों के एग्जाम कराई, और नीट और जेई के अंदर हम लोग शामिल हो सके। और कई जगह से वंचित हो गए, लेकिन हमने कहा नहीं, परीक्षा भी कराएंगे। ऐसे पास करने से 10वीं और 12वीं में बच्चा कमजोर रह जाता है, परीक्षा भी कराई और आगे के अवसर भी प्राप्त हुए। और मैं समझता हूं अब ये साल बर्बाद नहीं हो, इसके लिए भी हमारे विभाग ने प्रमुख शासन सचिव महोदय बैठी हैं, ये खुद महिला हैं, इन्होंने कहा हमें मंत्री जी और ज्यादा इसको बढ़ करके और प्रोग्राम बनाने चाहिए,
और आपने देखा आओ घर से सीखें, हमारे विभाग ने कार्यक्रम बनाया, वर्कबुक दी गई, टीचर्स घर पे देखे आए, मिड डे मील का सामान हम पैकेट के द्वारा सूखा राशन बच्चों के घर पे भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई और मैंने देखा जब स्कूलें खुली तो मैं खुद 5-6 स्कूलों में निरीक्षण करने गया था और उसमें हमने देखा कि बच्चे प्रिपेयर थे। वो कह रहे थे घर पे हमारे अभिभावकों के साथ साथ हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा और हमारी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया और हम अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में बोर्ड की एग्जाम करने के लिए तैयार है। तो ये जो विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के कारण से और हमारे बच्चों के अभिभावकों के कारण से हुआ, इसके कारण से आज हमारा एक साल हमारा बच गया, हमने साल खराब नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूं ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे बेटे और बेटियां, जो गरीब का बेटा बेटी है वो प्राइवेट अच्छी कॉन्वीनियंट स्कूल में नहीं जा सकता, उसके मन में था मैं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूं, लेकिन सुविधाएं नहीं थी। पहली बार मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके आदेश से हमने एक नया प्रयोग किया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और पहले 33 जिलों में इसकी शुरुआत की। 33 जिलों की शुरुआत के साथ फिर हमने 201 लोगों के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। आज 70,000 के लगभग बच्चे हमारे उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं। वो 25,000 से लेकर 50,000 तक कम से कम फीस प्राइवेट स्कूल में देते थे वो बेटे और बेटियां। आज वो प्राइवेट स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा लेते थे वो हमने सरकारी में निःशुल्क देने के लिए हमने व्यवस्थाएं की। हमारी सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और मैं समझता हूं और मुख्यमंत्री जी इसके लिए पूरे तरीके से विभाग को निर्देश दे चुके हैं कि हम लोग और तैयारी करें कि आने वाले समय में एक भी बेटा या बेटी ऐसा नहीं रहे हमारे स्टेट में जो ये कहे कि मुझे पढ़ने का अच्छा अवसर नहीं मिल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के अंदर हम हिंदुस्तान में 2 नंबर पे आए। जो 10वीं की जो हमारी क्लासेस सरकारी स्कूलें चल रही हैं उसमें हमने देखा कि जो केंद्र की तरफ से जो सर्वे कराया गया उसमें उन एजेंसियों के सर्वे में हम लोग, हमारे जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का और बच्चों के लर्निंग का, समझने का, सीखने का और इन चीजों का जो क्वालिटी एजुकेशन का सर्वे हुआ उसमें हम हिंदुस्तान में 3रे नंबर आए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार एजुकेशन को लेकर के गंभीर है। एजुकेशन को लेकर के अच्छे अच्छे नवाचार हमने सबने किए। एनुअल फंक्शन सरकारी स्कूलों में नहीं होता था, हमने पीएबी के अंदर भेजा। मैंने आते ही मंत्री बनते ही मैंने कहा भाई क्यों नहीं भेजे हम पीएबी में भेजें, वहां से पैसा मिला 10,000 रुपए प्रति सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को पैसा मिला। हमने एनुअल फंक्शन कराए, 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, बाल सभाएं कराई, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया। आपने देखा होगा कि बाल सभाओं के माध्यम से गांव के चौपाल में जाकर के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके परिवार और गांव के लोगों के बोझी लोगों के सामने बैठ करके कि नहीं हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी सरकारी जो स्कूलें हैं उनका नामांकन में वृद्धि हुई है, प्राइवेट स्कूलों में नामांकन की में कमी हुई है। ये सब हम सब लोगों की सोच और सरकार के जो प्रयत्न है अच्छे तरीके से हम हमारी बेटे और बेटियों को अच्छी एजुकेशन दें उसका परिणाम है। फिर भी मेरा ये मानना है कि और हम सब लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने देखा 1581 करोड़ रुपए पहली साल में मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की। आज आप जहां भी जाओगे सीनियर स्कूलों में 10वीं के स्कूलों में लैब बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, कक्षा कक्ष बन रहे हैं। आज बिजली की जो बात है उसमें 10वीं तक के सब स्कूलों में बिजली है लेकिन 1 से 5 तक के अंदर बिजली नहीं है, तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आईसीटी लैब्स हमारी 10,000 से अधिक हो चुकी हैं, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। कंप्यूटर के लिए हम लोग कैडर निर्माण कर रहे हैं कि कंप्यूटर अच्छे तरीके से लैब्स में सिखाएं, कंप्यूटर का जो थ्योरी का जो सब्जेक्ट होता है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें। कंप्यूटर का जमाना है, राजीव गांधी जी जब आए थे तो कंप्यूटर जब लेके आए तो लोग बाग हंसी मजाक बनाते थे कि साहब ये तो बेरोजगार कर देंगे, ये क्या है, ये तो
एसी में चलता है, बाढ़ नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, बच्चे खराब हो जाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि जो आप बैठे हो, आपके पास एक मोबाइल है, वो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है, पूरी दुनिया का नॉलेज आपके पास में है, जहां जैसे आप चाहो आप बात कर सकते हो, जो जानकारी आप लेना चाहो वो आप जानकारी ले सकते हो। हमने ये भी देखा कि बच्चों को या उनके जो अशिक्षित जो माँ बाप हैं, उनको पता नहीं रहता 10वीं के बाद में हमें क्या करना, कौन सा विषय लेना, 12वीं के बाद में हमें कौन सी कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने राजीव गांधी जो पोर्टल, गाइडेंस पोर्टल जो खोला, आप लाखों बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं, और वहां पर 14-14 देशों की जानकारी, कहां पर क्या यूनिवर्सिटी है, कहां आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, ये सब चीज आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार ने किया। फिर भी मेरा ये मानना है कि हम लोग और इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि रोजगारोन्मुखी एजुकेशन, शिक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, पढ़ करके उससे फिर आगे रोजगार प्राप्त करना, उसको रोजगार मिलेगा तब जाकर के उसकी पढ़ाई सफल होगी। तो मैं समझता हूं जो वोकेशनल एजुकेशन है उसमें 12वीं क्लास में ये प्रियदर्शनी, जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, ये नहीं किया जा रहा है। तो मैं प्रमुख शासन सचिव महोदय से ये कहना चाहूंगा कि हम आने वाले समय में इन वोकेशनल एजुकेशन की बेटियों को भी इसमें शामिल करें, उनको भी ये पुरस्कार मिलना चाहिए, इस बात की हम लोग व्यवस्था करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये बधिर और नेत्रहीन बालिकाएं हैं, इसमें 10वीं और 9वीं से 12वीं की बालिकाएं हैं, इससे 1 से लेकर के 8 तक जो ये 2 योजनाएं आती हैं, ये मैं बता रहा हूं, बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबल पुरस्कार और शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं की हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना, ये दोनों 9 से 12 के लिए बालिकाओं के लिए 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता है। तो मैं समझता हूं इसको भी हम लोग 1 से 8 करें, यह हमारी सरकार की मंशा है, हमारी मंशा है, जिससे इन बच्चियों को भी 1 से 8 वाली बच्चियों को भी ये लाभ मिल सके, क्योंकि हम इनमें फर्क नहीं कर सकते। जब दूसरी योजना में मिल रहा है तो इस योजना में भी लाभ मिलना चाहिए। पहले भी जब मैं आया था तो ये, जब बीजेपी का शासन आया था तो नाम वाम चेंज चांज कर दिए थे, क्योंकि उनको इंदिरा जी का नाम अच्छा नहीं लगता। कल गुलाब चंद कटारिया जी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे कि आपने इतनी संस्थाओं में राजीव गांधी का नाम कर दिया, इतने में इंदिरा गांधी जी का नाम कर दिया, इतने में जवाहरलाल नेहरू का कर दिया। तो अब बीच में नहीं बोल सकते थे, लेकिन मैं कहना चाहता था उनको कि ये 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आपके सवाल का जवाब आप खुद ही उत्तर दे रहे हो। ये 70 साल में कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे केंद्र में रही हो चाहे यहां पे रही हो, हमने काम किया, संस्थाएं खोली, कहां थे IIT, एम्स कहां थे। 1986 में जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो वो नई शिक्षा नीति लेकर के आए, उसका परिणाम है कि हम 86 से पहले हमारे पढ़ाई का क्या स्टैंडर्ड था, कितने पढ़ते थे कितने नहीं पढ़ते थे। आज आप देखिए हमारे बच्चे करोड़ करोड़ रुपए की बेटियां पैकेज लेकर के बाहर जाती हैं, करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज हमारे यहाँ का। तो मैं समझता हूँ ये सब इस कंप्यूटर ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी योजनाएं केंद्र में कांग्रेस की सरकारों की और राज्य में थी, उसी का परिणाम है। और आज जो क्वालिटी एजुकेशन में हम हिंदुस्तान में 2 नंबर पे आए हैं, ये सब हम लोगों की एक इस सोच का परिणाम है कि हम बेटे और बेटी में फर्क नहीं करते हुए इनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा कराएं। जो बेटी बेटा पढ़ गया, संस्कारी शिक्षा उसने क्वालिटी की ले ली, उसके बाद में उसको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास धन है, दौलत है, बहुत बड़ा आपके पास में मकान है, उन सब की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर वो आपके पास में है तो ये सब चीजें आपको प्राप्त की जा सकती हैं। आप देख लीजिए, महाराजाओं के गढ़ थे, दरबार थे, हाथी थे, घोड़े थे, सोने थे, पता नहीं क्या क्या थे, कहां गए वो। आज किसको सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है, तो सबसे ज्यादा शिक्षित और होता हो उसको बड़ा व्यक्ति माना जाता था,
पहले राजा और महाराजा को माना जाता है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें जो है वो करने की आवश्यकता है। एक इसको भी मैडम अपने को दिखवाना चाहिए, ये जो 2000 रुपये हम देते हैं इसको भी हम अगर बढ़ाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको अध्ययन कर लीजिए कि 2000 रुपये नहीं करके अरे इसको हमको और बढ़ाना चाहिए। कितना बढ़ाना आप देख लीजिए, कक्षा 1 से 8 को इसमें शामिल करना, व्यवसायिक जो शिक्षा है उसकी बच्चियों को भी शामिल करना, ये हम लोग करें। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों का मतलब यही होता है कि हम सब मिलकर के और ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे इन बालिकाओं को हम शिक्षित कर सकें, उनका उज्जवल भविष्य बना सकें। अभी एक वो हमारे दिल साहब की बेटी थी, वो टीचर है, उन्होंने कहा हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे मेल पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, मिल करके बता दो, सेक्रेटरी में बता दो, घर पे बता दो, और फिर भी कोई नहीं सुने ना, तो ये जो मेरे पत्रकार मित्र बैठे इनको बता दो, ये पट्टी चला देंगे, हमारे पास सूचना आ जाएगी। क्योंकि मैं इस बात से कतई नहीं घबराता कि कोई आदमी कमी बता रहा है, कमी बताने से ही उसका निदान होता है। अगर कोई समस्या बताएगा नहीं, कोई कमी बताएगा नहीं, अगर आप यहाँ बैठ के ये कहो ही नहीं कि साहब हमारे यहाँ क्या कमी है क्या नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर उसकी पूर्ति कैसे कर पाएंगे। तो आपका सौभाग्य है कि हम नेताओं का तो देखो भाई पता नहीं कब क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रमुख शासन सचिव महोदया खुद महिला है और बालिका शिक्षा का जिम्मा और एजुकेशन का जिम्मा इनके कंधे के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ आपके लिए और खूब बेहतर होने वाला है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जो वीकर सेक्शन है उसको और ज्यादा मदद करने के लिए, क्योंकि गांधीवादी विचारों के मुख्यमंत्री हैं, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि गरीब के बेटे और बेटी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारे कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है, हमारे को कोई प्रोत्साहन या संबल देने वाला नहीं है। वो कहते हैं हमेशा मैं और मेरी सरकार तैयार रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो चीज है वो जो सरकार से आप अपेक्षा करते हैं वो सरकार आपके पूरे करेगी। आपने बुलाया और नेताओं को बुलाने के बाद में भाषण लंबा हो जाता है, तो मैडम और अधिकारी सोच रहे होंगे कि भाई नेताओं का क्या करें, ये तो क्या शॉर्ट में काम करके, इनमें भाई पढ़े लिखे खूब होते हैं, आईएएस की परीक्षा है, हमको तो हमारी दुकान में से जचानी पड़ती है धीरे 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 धीरे, ठीक है कि नहीं? आप समझ रहे हैं ना बात को, पूरा समझ जाएंगे। बात आई है कि सरकार आपके लिए तैयार है, आप सब लोग अच्छी मेहनत कीजिए। अभी एक बेटी ने बीच में काम बोलना चाहती हूँ, मैं सोचो ये बोले कि कोई कमी बताओ कि कोई मास्टर पढ़ा जाएगा, लेकिन जो उसने बोला वो बहुत अच्छा बोला, वो उसके अंदर से आत्मा की आवाज थी कि हमारे माँ बाप ने हमारे टीचर ने अच्छा किया, तो अब हमारी बारी है उसकी कीमत चुकाने की, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। शिक्षा मंत्री बनावे ना, मंत्री तो सर बन पहुंचावे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्रालय को ही ये वो पहुंचावे, लेकिन जब मुझे शिक्षा मंत्रालय मिला तो खुशी से मेरे आंसू आ गए कि मेरे पिताजी टीचर थे, उन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई और उन्होंने इस लायक बनाया, संस्कार दिए कि आज मुझे राजस्थान के शिक्षा मंत्री होने का जो सम्मान मिला है, जो दायित्व मिला है, इससे बड़ा मेरे जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं कौन कितना आदमी कितना बड़ा बन जाए ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन शिक्षक का बेटा अगर शिक्षा मंत्री बन गया इससे बड़ा मेरे लिए मेरे जीवन में कोई कमाई नहीं है। मैं निश्चित रूप से ये मान के चलता हूं कि मैंने 2 साल तक अच्छे तरीके से काम किया जितना मेरे से बन सका, जब तक जिम्मेदारी है कर रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, कोई भी बेटा बेटी, कोई भी टीचर, कोई भी अधिकारी मेरे पास में मेरे दरवाजे पे कोई समस्या लेकर के आया है, तो मैंने उस समस्या को अपनी समस्या समझ करके और उसके समाधान का प्रयास किया है। आज 2 साल में आप बता दीजिए कि शिक्षा विभाग में कितने नवाचार हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे हम लोग कार्यक्रम करते हैं, कितनी योजनाएं हम लेकर के आए हैं, कहां थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, कहां थे आपके एनुअल फंक्शन, खेल में पैसा लेकर के आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा लेकर आए हैं, पहली बार राजस्थान के बजट में, पहली साल के बजट में 1260 स्कूलें क्रमोन्नति
और नई स्कूल खुलने का आज तक की इतिहास में राजस्थान में कभी नहीं हुआ जो हम लेकर के आए, क्योंकि मैं शिक्षक का बेटा था। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि कमरे नहीं होंगे, संकाय नहीं होंगी, विषय नहीं होगा, स्कूल कर्मोन्नत नहीं होंगे, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बेटे और बेटियां कहां पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सबका परिणाम निकलता है। और मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि आज तक 2 साल में मैंने शिक्षा विभाग के लिए जो बात कही मुख्यमंत्री जी ने अक्सर से उसको स्वीकार की। मैं भाग्यशाली उन लोगों में हूं कि ऐसा नेता के साथ में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं समझता हूं ये सब चीजें अपने प्रदेश को और आगे ले जाने की दिशा में ये जो कदम है, इन बेटे और बेटियों से बच्चियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो एम आप बना के चल रहे हैं उस एम पे अपना अगर ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी, आपको कोई असफल नहीं कर सकता। और वैसे भी देखो आदमी से औरत में, लड़के से लड़की में ज्यादा क्षमताएं होती हैं, ज्यादा सहन करने की क्षमता होती है। वो पीहर में भी अपना मुकाम बना के रखती है तो वो ससुराल में जाने के बाद में वहां भी नंबर वन मुकाम बना के रखती है। अब अपवाद कहीं हो सकते हैं इस देश में दुनिया में, लेकिन उस बच्ची जो दूसरे घर में जाके किस तरह की से एडजस्ट होकर के वो नंबर वन उसमें बनती है। और सब लोग कहते हैं कि ये भाई हमारी जो बहू आई है ना ये बहुत अच्छी है, पूरे घर को ये संभालती है। तो आप समझ सकते हैं उसकी क्षमता की परीक्षा होती है और उस परीक्षा में 100% मार्क्स करके आप डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होती हो। ये आपकी जो ईश्वर ने क्वालिटी दी है मैं समझता हूं ये हम सब लोगों को पहचान करनी चाहिए। और हमको जितना हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए, उनको और ऊंचाइयों पे जाने के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो प्रयास करेगी। मैं पुनः आप सबको बुलाने के लिए, मुझे बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि मैं देखो पहले भी मेरा शौक था, जब मैं प्रधान बना तब भी स्कूलों में जाता रहता था। लेकिन मैडम एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ले गए प्रधान बनने के बाद में और स्कूल में बैठा दिया, बैठा करके, और 15 अगस्त का दिन था, एक 8वीं क्लास के बच्चे को खड़ा कर दिया कि अब भाषण देगा। तो मैं कहा ठीक है भाई देने दो भाषण। मैंने कहा अपनी 2-4 बड़ाई करेगा, 2-4 अपनी स्कूल की बात करेगा। तो वो खड़ा होता है कहता है ये नेता चोर देश को बेच के खा गए। मैंने कहा भैया मेरी क्यों बेइज्जती कर रहा है, मेरी क्यों बेइज्जती कर रहा है, मैं नेता हूं, कभी नेता हूं क्या हूं। तो फिर कहा मन तो मार्च ही बतायो, मेरे को तो टीचर ने बताया। फिर टीचर ने बुलाया भाई तू मन बुलायो क्यों, बोले साहब थारो सम्मान करवा, तो वो भाषण क्यों दिया, बोले आ तो फाइल पड़ी तो परंपरा चल रही है। मैं कि भाई परंपरा ने तोड़ो, परंपरा दूसरी बदलो, कम से कम इस तरीके की बात तो करो जिसे इस बच्चे को क्या सिखा रहे हो, आपके नेता सारे चोर होते हैं, ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। बोले साहब आप बात तो गलती होगी। और उसके बाद में परिवर्तन आया, आज किसी भी स्कूल में कोई इस तरह के भाषण नहीं दिलवाते, आज लोगों को बुलाते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को अच्छे करने के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ये सारे कार्यक्रम होते हैं और योजनाएं आती हैं, सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन बहुत अच्छे के लिए हम लोग करते हैं। और आज तो महिलाएं भी काफी हो गई, पहले तो लेडी टीचर होती कहां थी आप बताओ, आजकल तो होती भी है और शहर में भी वही होती, शहर के आसपास इनको प्रायोरिटी मिल जाती है, काउंसलिंग में मिलती है ना, अब मिलती है तो बस उसका लाभ मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें जो है एजुकेशन के कारण से ही, अगर एजुकेशन में महिलाएं नहीं आती तो आप टीचर कैसे मिलते आप, क्योंकि एक बच्ची बेटी महिला टीचर को अपनी समस्या आसानी से बता सकती है, पुरुष टीचर को नहीं बता सकती। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो बालिकाओं के लिए उनकी समस्याओं के लिए हम लेडी टीचर लगाएं, तो टीचर्स को में हमारा जो सिलेक्शन होता है उसमें भी काफी हमारी बेटियां टीचर बनने के लिए आ जाती हैं, तो उससे हमें और ज्यादा संबल मिलता है। उन्हें आप सब आए, आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, बहुत सारी आपने अच्छी सी बात बताई, खास करके आपके 2 वर्षों के इस कार्यकाल में शिक्षा जिस गति से आगे बढ़ी है और जो नवाचार आपने किए हैं। नई शिक्षा पॉलिसी में भी हमारे राजस्थान के बहुत सारे प्रस्तावों को समेकित किया गया, नई शिक्षा नीति में भी उनको उकेरा गया, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि नई शिक्षा पॉलिसी का बहुत सारा हिस्सा राजस्थान के हिस्से का एक हिस्सा है।
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और अंत में माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात को हम इन शब्दों में कहें कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के निर्देशन में हम पत्थर से पानी निकालते रहेंगे, शिक्षा विभाग के लोग, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और इस कार्यक्रम के आगे के पड़ाव के लिए हम आभार उद्बोधन के लिए उप सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन तेजपाल जी को आमंत्रित करते हैं। तेजपाल जी ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छी सी मैं विशेषता बता दूं, बहुत कम समय में इन्होंने इस तरह के स्टेट लेवल के एक दो फंक्शंस किए, वहां पर भी जो काम करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, चाहे फिर फंड इकट्ठा करने की बात हो, फंड शिक्षा विभाग को देने की बात हो, अभी भी लगभग 6 करोड़ रुपए का फंड शिक्षा विभाग को दिया गया था, वो उनके प्रयासों का एक सद परिणाम है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमको दिया था, सीएसआर को दिया था, और हम उनसे उन विकासों, उन स्कूलों का विकास करने जा रहे हैं जिन विकासों में आदर्श स्कूल होने के बावजूद भी फंड नहीं पहुंचा था, वो लगभग लगभग पहुंचने वाला है, और आज या कल में हम क्लिक के माध्यम से वो पेमेंट स्कूलों में डाल देंगे। हम आमंत्रित करना चाहते हैं तेजपाल जी को। तेजपाल जी आए। मां शारदे को वंदन। आज के पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती अपर्णा जी अरोड़ा, एसपीडी सर भवनलाल जी एवं निदेशक आस्थान स्टेट ओपन। आपकी जगह धन्यवाद मैं दे दूंगा। एक ये आई थी कि 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019 में कुछ चेक्स पहले दिए जाते थे, अब तो हमने आरटीजीएस ऑनलाइन कर लिया, तो ये पैसा काफी बच्चियों का बाकी रह जाता था किन्हीं कारणों से। तो मुख्यमंत्री जी ने कल परसों बैठक ली थी, उसमें एक प्रकरण ऐसे विजिलेंस का आया था कि साहब उसको चेक नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इसको आप दिखवाओ ऐसा क्यों हुआ। तो हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री जी की मंशा के विभाग आधार पे उनकी इच्छा के अनुसार निर्णय लिया है कि 2016 से लेकर के अब तक के लिए जो भी बच्चियों को ये पुरस्कार के लिए पात्र थी उनको चेक नहीं मिल पाया, हम एक स्टेट लेवल से विज्ञप्ति निकालेंगे और उस विज्ञप्ति के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वो बच्चियां अपना आवेदन दे देंगी कि मुझे नहीं मिला, और अपने खाते के साथ एक प्रोफॉर्मे के साथ वो दे देंगी। तो उन सभी बच्चियों को, ऐसे तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो उन सब बच्चियों को बालिका फाउंडेशन से वो जो चेक की राशि थी वो उनको मिलेगी, ये हमारे सरकार ने तय किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भी बच्ची ऐसी नहीं बचे जो ये कहे कि हाँ मेरा हक था लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि अगर हम 16 से लेके आप ढूंढने लगेंगे तो कोई बच्ची कहाँ जाएगी, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो हमने ये तय किया कि इसमें जो बच्चियां हैं उनके लिए एक विज्ञप्ति जारी कर देंगे, और उस विज्ञप्ति के आधार पर फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ जो जो भी नाम आएंगे वो स्टेट को भेज देगा, और स्टेट उसमें उनके जो खाता संख्या है उसमें वो पैसा जारी कर देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अति वह समय में से माननीय मंत्री महोदय पीएससी महोदय ने समय दिया एवं श्रीमान हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम बड़ी लगन और मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी आशाओं के ऊपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में यदि कोई कमी खामी रही है, सर बहुत कम समय में आपने हमें निर्देश दिए थे, पीएससी महोदया के निर्देश में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना के बाद में सर एक बार कार्यक्रम हुआ है और ये दूसरी बार आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी अतिथि भोजन